कि कहीं ना कहीं जो ओनर होंगे गाड़ी के उनको ये चीज फील होगी जो इस गाड़ी को लेंगे चलाएंगे, क्योंकि अपना इंडिया यार, इंडिया के अंदर काफी हद तक गर्मी पड़ती है भाई। सो ये मेरे ख्याल से जो इसका लचीलापन है, ये अगर हार्ड मटेरियल के अंदर हल्का सा दे देते हैं जो दोस्तों, टोयोटा की जो अपनी ये फुली हाइब्रिड गाड़ी है ना, इसकी हद से ज्यादा डिमांड आ रही है भाई की टेस्ट ड्राइव के दौरान ये इलेक्ट्रिक में कैसा परफॉर्म करती है एंड कैसे अपनी ये इलेक्ट्रिक के तौर पे यूज़ होती है। तो आज हम वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आज हम इसका फुल राइड रिव्यू शूट करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो दोस्तों चैनल पे बने रहना, फुल राइड रिव्यू में आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी ईवी पे कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे ईवी पे चलती है, किस स्पीड तक ईवी पे चलती है एंड फाइनली ये वापस अपनी ईवी की जो बैटरी है उसको कैसे चार्ज करती है। सो इसी के साथ साथ भाई स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इट्स मोटर वर्ल्ड पे। भाई मैं हूँ आपका भाई अभिषेक और फटाफट से यार देरी न करते हुए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये भाई अपनी फुली हाइब्रिड गाड़ी है। सो हाइब्रिड के अंदर, इसके अंदर भाई वैसे तो फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं, जो पीछे वाली हमने दिखाई थी हमारा जो वी नियो ड्राइव थी, ये हमारी फुली वी हाइब्रिड है। ये देखो फुली वी हाइब्रिड की बैजिंग। सो इसी का आज हम फुल राइड शूट करने वाले हैं। राइड के दौरान हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर और क्या क्या ज़्यादा फीचर्स हैं। भाई वैसे काफ़ी सारे ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, अभी वही हम बात करने वाले हैं कि ये गाड़ी मतलब कितनी कामयाब है, इसके अंदर क्या सीन रहता है, फुल कैसे चलती है अपनी एंड कितनी पावर वगैरह क्या कुछ फील होता है यार, कंप्लीट बात करेंगे यार वीडियो के अंदर, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई वीडियो में बने रहना। तो चलो फटाफट से देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सर ये चल रहा है हमारा पेट्रोल पे, ओनली अभी ईवी पे चल रहा है। ये देखो यहाँ से शो रहा है कि हमारा बैटरी से पावर मिल रही है हमको अपने दोनों व्हील्स को। सो ये चल रही है हमारी एंड ये मेरे ख्याल से हम 45 या 50 तक चलते हैं, तब हमारी 50-40 से ऊपर जाते हैं ये इंजन पावर लेने लग जाता है अपना। अगर बैटरी 60% अब चार्ज होगी तो 50 से पहले चार्ज नहीं लेगा आपको, अच्छा अदरवाइज नहीं लेगा। तो यानी कि हम 70-80 तक इसको नॉर्मली ईवी पे चला सकते, अब फिर से ईवी पे मतलब अपने आप फील हो जाती है। हाँ, ऑटोमेटिक मतलब पता है ये दर्शा रहा है आपको, देखो अपने आप चला जाता है ये। हाँ। ये शो हो जाता है कि यहाँ पे अब तेरी ईवी चल रही है, वहाँ चल रही है, बैटरी से चल रहा हूँ या और बैटरी चार्ज भी कर रहा है, बैटरी चल रही है साथ साथ चार्ज भी कर रहा है, ओनली बैटरी से, ओनली बैटरी से अभी फिर फ्यूल अब एंड साथ साथ चार्ज भी करने लगा, जैसे येलो लाइट जली मतलब इंजन पावर, इंजन ऑन लग गया एंड ग्रीन लाइट। अब वहाँ से अगर इंजन का कनेक्शन बंद हो जाता है, ये अब कनेक्शन बंद हो गया इंजन का। सो अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना, छोड़ दी अब बंद हो गया इंजन से पावर। अब ये ईवी पे चल रहा है, जब तक हम 40 पे चलेंगे ये ईवी पे रहेगा, 40 प्लस होते ही यार से देना। हाँ ये अब देख धीरे धीरे, अब जैसे ही 40 क्रॉस करते हैं अपना ये हो जाता है वहाँ पे आरपीएम पे बेस्ड, आरपीएम बेस्ड सीवीटी गियर बॉक्स आ गया भाई इस पे, ये फुल अपना आरपीएम बेस्ड है ये सारा सिस्टम एंड अगर इसकी बैटरी फुल हो सर तो तकरीबन हम इसको 60 या 65 के आसपास चला सकते हैं। सीधा चले इस साइड सर, वाइड एंगल कर दिया। ईवी पे तो भाई अपने आप पता चल जाता है यार, मतलब इतनी स्मूथ चलती है एंड जैसे इंजन अपना ऑन होता है ऑटोमेटिक से वो भी फील हो जाता है हमें, क्योंकि एक्सेलेटर में हल्की सी वाइब्रेशन हमें फील हो जाती है इंजन की कि हाँ अब हमारा इंजन ऑन हो चुका है। वैसे गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है बट वो फील वाली बात है कि हाँ इंजन की फील आ जाती है। कंफर्ट काफ़ी अच्छा है गाड़ी के अंदर, जैसे मैं बैठा हूँ अभी हाल फिलहाल काफ़ी अच्छा कंफर्ट है गाड़ी के अंदर एंड ओवरऑल इसकी जो पावर डिलीवरी है वो भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। एकदम से जैसे मैं एक्सेलेटर कर रहा हूँ गाड़ी को, एकदम से एक्शन ले रही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ डिले वगैरह हो गाड़ी के अंदर, कोई पावर वगैरह लैग वगैरह कुछ भी फील नहीं हो रहा। ओवरऑल इसका जो गियरबॉक्स है उसकी जो शिफ्टिंग है वो भी मेरे को हालांकि हल्की सी भी फील नहीं हो रही, कोई जर्क वगैरह महसूस नहीं हो रहा, अपने आप स्मूथली गियर शिफ्ट हो रहे हैं गाड़ी के एंड जो इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस है वो तो भाई मेरे को जबरदस्त लगी, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ चलती है बैटरी पे गाड़ी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने जैसे ड्राइव की थी भाई अपनी नेक्सोन ईवी, हालांकि उसके जैसा ही परफॉर्म करती है, जबरदस्त लगती है ये चलती हुई अपने इस पे भी, क्योंकि चलाने वाले को ये चीज़ फील होती है कि कैसी चल रही है आपकी गाड़ी। बाकी ओवरऑल इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो भी जबरदस्त है एंड मैं जैसे देख पा रहा हूँ इसका जो बोनेट है मेरे को क्लियरली विजिबल हो रहा है, इस गाड़ी का विजिबिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त है आगे से जैसे मैं अपनी सीट पे भी बैठ के एंड साथ साथ में इसमें एक प्लस पॉइंट हमारा ये दिया गया है कि जैसे आप चल रहे हो कन्वीनियंट के लिए, इसमें हमारी जो सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड दी गई हैं, जिसमें आपको ज़्यादा लंबी ड्राइव करते टाइम परेशानी ना हो, आपकी कमर पे पसीना वगैरह न आए। सो इसलिए एक अच्छा फीचर दिया गया, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे इसकी रेंज क्या रहती है सर ईवी पे, कितनी चल सकती है ये बड़ी?
54 मतलब किलोमीटर कितने ड्राइव कर सकती है ये? सर फ्यूल टैंक पे डिपेंड करता है, कंटिन्यू चार्ज होती रहेगी। हाँ हाँ, और वो चलता रहेगा। अच्छा, वो इसका चलता रहेगा, कंटिन्यू ही चलता रहेगा, क्योंकि इसमें तो चार्ज सिस्टम अलग से कुछ चलता नहीं है अभी। अभी इसकी बैटरी हमारे सिर्फ दो डंडे ही शो कर रही है। इसकी जो फुल बैटरी चार्ज करने के बाद ये मेरे ख्याल से लगातार 25 किलोमीटर निकाल देगी। आराम से 25 किलोमीटर निकाल देगी ये अपना ईवी मोड पे। एंड साथ साथ प्लस ये चार्ज भी करता रहता है, जैसे कि हमारी अब गाड़ी की स्पीड जैसे हम एक्सेलेटर करते हैं आरपीएम बेस आरपीएम ज्यादा होते हैं तो ये अपने आप चार्ज करने लग जाती है। वैसे बैक सीट का कंफर्ट भी अच्छा है एंड ऊपर से भाई हमें अपना खुला आसमान दिख जाता है, सो इस वजह से कुछ खास सफोकेशन वगैरह भी फील नहीं होती गाड़ी के अंदर। एंड म्यूजिक सिस्टम तो जबरदस्त दिया होगा उसकी, खैर हम अभी बात नहीं करेंगे, वो तो यार हर किसी का अपना टेस्ट होता है, किसी को ज्यादा म्यूजिक पसंद है, किसी को कम म्यूजिक पसंद है। भाई अब मेरे को पर्सनली लंबे रूट पे कम पसंद है, सो इसलिए मैं अभी एक बार म्यूजिक ऑन करके आपको नहीं दिखाऊंगा। वैसे ही गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो जबरदस्त है, इसमें एक अपना हेड अप डिस्प्ले भी दिया गया है, वो इसका अभी देखते हैं। अच्छा हाँ, दबाई रखना पड़ता है हमें इसको तकरीबन 1 से 2 सेकंड के अंदर, फिर हमारा HUD डिस्प्ले जो है वो ऑन हो जाता है। एंड इसमें हमें फिर अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह शो हो जाती है, जैसे कि अभी मेरे को दिख रहा है कि किलोमीटर कितनी है। एंड इसी के अंदर दोस्तों मेरे को इसका बैटरी कंपार्टमेंट भी दिख रहा है कि हाँ इसकी बैटरी अभी 2 डंडे बाकी है एंड अभी हमारी ये बैटरी चार्ज हो रही है या बैटरी से पावर मिल रही है, हर चीज मेरे को इसके अंदर शो हो जाती है। एंड साथ साथ इसमें हमारा टाइम शो भी हो जाता है, प्लस इसकी ट्रिप भी शो हो जाती है कि कौन सी ट्रिप चली हुई है, ए या बी, काफी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक ये शेयर कर देता है। बाकी तो इसके अंदर मोड भी दिए गए हैं कि इसका चार्जिंग मोड है, चार्जिंग मोड में हमें इसके अंदर भी पता चल जाता है। एंड फिर इको मोड दिया गया, स्पोर्ट्स मोड भी है सर शायद इसके अंदर। इलेक्ट्रिक मोड खाली हम इसको बस ईवी पे चलाना हो तब तब हमें ये शो होता है। फ्यूल खत्म हो गया ना गाड़ी का कहीं पे, और आपको 2-4-5 किलोमीटर जाना है तो ई पे लगा के जा सकते हो, इंजन की जरूरत उसकी इंजन की जरूरत नहीं है। अब जैसे मेरा इंजन पावर दे रहा है, अगर मेरे इंजन में मेरा फ्यूल कम है, मैंने इसको प्रेस कर दिया ईवी मोड पे, अब मैंने इसको ईवी मोड पे प्रेस कर दिया, ये आ गया मेरा ईवी पे, अब फुली ईवी से पावर मिलने लगी मेरे को, इसको बिल्कुल स्मूथ होगी, इंजन अपने आप ऑफ हो गया इसका, यानी कि अब मैं इसको स्पीड पे ड्राइव कर रहा हूँ 60, 61, 62, अब भी ये बैटरी से ही पावर ले रहा है। सो ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप कहीं फंस जाओ, आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल कम हो, तो आप इसको ईवी मोड पे भी ड्राइव कर सकते हो। भाई हाइब्रिड गाड़ी है यार, नो डाउट, जबरदस्त लग रही है यार ये। और ओवरऑल इसकी जो सस्पेंशन वगैरह है वो काफी अच्छा है। अब इसका दोबारा से फिर ईवी मोड अपने आप ऑफ हो गया, क्योंकि मेरे जब इसकी हल्की सी एक्सेलेरेटर करता हूँ तो अपने आप पता चल जाता है। अब इसका एक बार हल्का सा स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं कि ये गाड़ी अगर हम इसको तकरीबन 80 अबो चलाते हैं तो उस टाइम पे इस पे कोई मतलब अपनी रोलिंग वगैरह का क्या सीन रहता है, हल्का वगैरह रोल रहता है गाड़ी के अंदर या नहीं रहता है। सो अभी मेरी 72-75 के अंदर अकॉर्डिंग चली हुई थी। एंड गाड़ी की जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, क्योंकि अभी हमारे जो ये गए हैं ब्रेकर्स वगैरह उन पे भी फील हो जाता है, हल्का लचीलापन है गाड़ी के अंदर, बट जो बॉडी रोल है वो गाड़ी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। एंड गियर शिफ्टिंग की मैंने आपको बताई थी, नो डाउट स्मूथ है, जैसे कि मैं अपने हाई आरपीएम पे भी अगर चलाता हूँ तो अपने आप ऑटोमेटिक स्मूथ गियर शिफ्टिंग होती है। जो इसके जो साइड वाले ग्लास हैं भाई, ये हल्के टिंटेड ग्लास दिए गए हैं, मेरे को वैसे फील हो रहा है अंदर होने के बाद, क्योंकि यहाँ से नज़ारा कुछ अलग दिख रहा है, थोड़ा हल्का हल्का सा डार्क शेड में, एंड जो फ्रंट वाला नज़ारा है वो हल्का सा अलग दिख रहा है, ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है, काफ़ी हद तक गर्मी को रोक लेते हैं ये। एंड ऊपर से एक डाउन साइड मेरे को इस गाड़ी की लगी है, क्योंकि ऊपर से जो ये अपनी सनरूफ दे रखी है ना, सनरूफ का जो ये ब्लाइंड स्पॉट दे रखा है, ये इन्होंने थोड़ा सा हल्के मटेरियल के अंदर दे रखा है, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, ये कहीं ना कहीं जो ओनर होंगे गाड़ी के उनको ये चीज़ फील होगी जो इस गाड़ी को लेंगे चलाएंगे, क्योंकि अपना इंडिया यार, इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक गर्मी पड़ती है भाई। सो ये मेरे ख्याल से जो इसका लचीलापन है, ये अगर हार्ड मटेरियल के अंदर हल्का सा दे देते जो बाकी सनरूफ की गाड़ियों के अंदर आता है, वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है इस गाड़ी के लिए। सो अभी एक बार गाड़ी को वैसे यूटर्न ले लेते हैं, अपनी आ गई यूटर्न। इस बारे में टोयोटा ने भाई जबरदस्त काम किया गया गाड़ी के अंदर, एक अपनी हाइब्रिड गाड़ी के अंदर नो डाउट एक अच्छा काम किया गया, एक कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है भाई हाइब्रिड एंड पेट्रोल का, क्योंकि अपने आप ऑटोमेटिक शिफ्टिंग लेता है अपनी ये बैटरी कंपार्टमेंट भी एंड अपना इंजन वाला कंपार्टमेंट भी, अपने आप मतलब ऐसा फील नहीं होने देता कि आपको कब पता चल रहा है कि इंजन चल रहा है या बैटरी चल रही है। एंड प्लस पॉइंट ये है कि आपको इस बैटरी को यार कहीं भी अपने घर वगैरह चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप जैसे आप गाड़ी चलाते हो अपने आप चार्ज होती रहती है भाई, ये यार रियलिटी में प्लस पॉइंट लगा मेरे को इस गाड़ी का, जबरदस्त फील आई भाई इस गाड़ी के अंदर। मैं यार इसकी अगर फाइनली बात करता हूँ इस गाड़ी के, अगर कंक्लूजन की बात कर लेते हैं फाइनली,
जैसे कि हम फाइनली हम बात करते हैं कि गाड़ी हमें अगर लेते हैं तो हमें इसके अंदर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। सो फाइनली इस गाड़ी के अंदर जो मैं सो है भाई, सस्पेंशन सेटअप काफी अच्छा मिलता है, ब्रेकिंग सिस्टम काफी अच्छी मिल जाती है, नो डाउट इसके अंदर कंफर्ट काफी अच्छा मिलता है, गाड़ी के अंदर स्पेस अच्छा मिल जाता है। प्लस गाड़ी की जो हम अगर बात करें भाई, इसकी जो अगर हम बात करें भाई इसकी ओवरऑल जो इसकी एवरेज है गाड़ी की, कि हमें एवरेज क्या कुछ मिल जाती है, सो भाई नो डाउट अच्छी एवरेज मिल जाएगी। प्लस इसका एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को हल्का सा ये लगा कि टोयोटा वाले अपना इंजन और हल्का सा इंप्रूव कर सकते थे, क्योंकि इसके अंदर जो यूज किया जाता है दोस्तों, वो 3 सिलेंडर इंजन के साथ अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की गई है। सो इस वजह से कहीं ना कहीं इसके इंजन की हल्की सी साउंड जो है वो कैबिन के अंदर काफी ज्यादा आती है, बट वो जो आपका जो ईवी मोड है ना, वो उसको वहां यार इक्वल कर देता है। ऐसी कोई सीन नहीं है कि ये कोई आपके लिए मेन बड़ा नेगेटिव इशू हो, बट ओवरऑल गाड़ी की रोड प्रेजेंस भी अच्छी है भाई, ओवरऑल गाड़ी की स्टेबिलिटी तो है ही नो डाउट अच्छी। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप भाई लेना चाहो तो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। आप एक बार विजिट करो, आप अपने अकॉर्डिंग चेक करो कि आपको ये कैसा लगता है, उसके बाद आप इसको प्रेफर कीजिए। बाकी मेरे को अच्छा लगा भाई, नो डाउट गाड़ी एंड कम्फर्ट भी काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी के लिए फीचर्स भी काफी सारे दिए गए हैं, ABS, EBD वगैरह, जैसे हर चीज आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह हर चीज आपको इसके गाड़ी के अंदर देखने मिलेंगी। प्लस 6 एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी है। बस एक दो कमियां हैं, वो हल्की, आप इसको, इतने सारे फीचर्स इसके काफी अच्छे हैं, उनको हल्का सा आप मेरे ख्याल से आप नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर आपको उन चीजों की इतनी हो। हाँ, प्राइस कंप्लीट ले रहे हैं, वो चीज मान गया कि ये जो अपनी गाड़ी है ये तकरीबन सेगमेंट की सबसे महंगी गाड़ी है, नो डाउट, बिल्कुल है। प्लस सबसे पहली गाड़ी भी तो है सर जो हाइब्रिड में है, जो कि अपनी पेट्रोल के साथ अपनी फुल बैटरी में भी चलती है। प्लस पॉइंट ये है कि बैटरी को चार्ज भी तो नहीं करना पड़ता ना, मेन प्लस पॉइंट इसके लिए है कि इंजन अपने आप चार्ज कर देता है इसको, इसके अंदर जनरेटर सिस्टम दे रखा है। 8 साल की वारंटी है सर बैटरी की। अच्छा, प्लस बैटरी की भी आपको 8 साल की, मतलब ये है कि 8 साल तक आपको गाड़ी की तरफ लखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप बेझिझक गाड़ी को चलाइए 8 साल के लिए। 1,60,000 किलोमीटर शायद 8 साल की वारंटी देती है कंपनी। ब्रेक तो बढ़िया। हाँ, ब्रेकिंग सिस्टम तो नो डाउट वाइज रियलिटी में जबरदस्त है गाड़ी का। एंड स्टेयरिंग का फील भाई हल्का हल्का हार्ड सा है, जो कि मेरे को पर्सनली मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि काफी अच्छी वाइब्स आती है मेरे को इसके साथ। यार ये जो 3D वाला 360 वाला सिस्टम है ना भाई, जबरदस्त है यार, अपनी गाड़ी को पार्क करते टाइम या फिर बैक करते टाइम जबरदस्त रहता है भाई। मेरे को गाड़ी के साथ अच्छा रहा, मेरा जो फीडबैक है भाई वो जबरदस्त है इस गाड़ी के साथ। मैं इस गाड़ी को अगर देना चाहूँ तो भाई 10 out of 9 ही देना चाहूंगा। एक इसकी जो हल्की छोटी मोटी कमियां जो यहाँ इन्होंने कटिंग वगैरह की है वो मेरे को चुभी थोड़ी सी, बट ओवरऑल बाकी जो जबरदस्त है भाई, 10 out of 9 है मेरी तरफ से इस गाड़ी को। बाकी इस वीडियो में भाई इतना ही, ऐसा था हमारा टेस्ट राइड रिव्यू। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए, एंड नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो के अंदर।